हाय फ्रेंड्स सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोलूशन प्रोवाइड करने वाला हूं और बच्चों एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी बच्चा इस पूरे वायरल पेपर का फुल सोलूशन देख लेता है तो हिंदी वाले पेपर में सत्तर में सत्तर स्कोर कर सकता है इस बात की पूरी गारंटी है और बच्चों इस पूरे वायरल पेपर के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बार, दो बार 2024 बोर्ड परीक्षा के पेपर में हिंदी कापी कैसे लिखना है और कापी का फ्रंट पेज कैसे भरना है टॉपर बोर्ड परीक्षा में कापी कैसे लिखते हैं किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं और टॉप कर जाते हैं क्या गलतियां नहीं करते हैं सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इसलिए आप सभी रिक्वेस्ट है इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए होंगे आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बच्चों जो बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी मिलता है उसका फ्रंट पेज बिल्कुल इसी प्रकार का होगा ठीक ना यह एक डेमो कॉपी है इसी प्रकार से सभी को मिलेगा सबसे पहले करना क्या होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड से का का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में अच्छा शब्दों में क्या करना था आपको यहां पे अंक का नाम लिखना है लाख वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है जैसे यहां पे लिखा गया तीन तीन एक शून्य दो पांच शून्य इस प्रकार से अंकों में और शब्दों में अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रोल नंबर भर देना है उसके बाद करना क्या है अपना सब्जेक्ट का नाम यानी कि विषय का नाम हिंदी है प्रश्न पत्र में केवल भर देना और बच्चों यहाँ पे देखो प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक तो जो भी आपके पेपर कोड यहाँ पे दिया गया ना उसका यहाँ पे कोड यहाँ पे भर देना फिलअप कर देना उसके बाद यहाँ पे करना क्या है परीक्षा का दिन तो परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार और परीक्षा तिथि एवं पाली तो परीक्षा तिथि पड़ेगी बच्चों बाईस फरवरी को यहाँ पे बाईस दो यहां पे 2024 लिख देना और यहां पे सेंटर कोड का नाम यहां पे सेंटर का नाम भर देना कि जो भी आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर का नाम लिखा गया है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे रेवती या जो लिखा गया है, उसको ध्यान से देना, ठीक इतना है और सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्नों को उसके बाद बोर्ड परीक्षा के पेपर में जो खंडवा आता है ना उसका सोलूशन कैसे करेंगे सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा और एक बात पूरी से बोल रहा हूं बच्चा कि जो भी बच्चा ईमानदारी इस पूरे वीडियो को अंत तक देख लेता है तो सत्तर में सतर ही तो जाएगा ठीक ना आइए बच्चों सबसे पहले हम यहां पे हल करेंगे बहुविकल्पी वाले प्रश्न को ठीक ना इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं शुक्ल युग द्विवेदी युग शुक्लोत्तर युग या भारतेंदु युग तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के कवि हो जाएंगे या लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसमें पहला बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना आज के पेपर के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और यही क्वेश्चन छपेंगे इससे बाहर नहीं आएगा गबन किस विधा की रचना है नाटक एकांकी उपन्यास या कहानी तो गबन बच्चों यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे उपन्यास हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना अगला हमारा क्वेश्चन है कंकाल के लेखक या कंकाल के रचनाकार कौन है मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद निराला या रामचंद्र शुक्ल तो बच्चों कंकाल के लेखक का नाम राइटर का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद कई बार हमने जयशंकर प्रसाद के जब जीवन पर से बताया है तो मैंने बताया कंकाल तितली झरना लहर आंसू सभी प्रकार की जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है कलम का सिपाही कृति के रचनाकार कौन है ठीक ना धर्मवीर भारती की या अघ् की जैनेन्द्र कुमार की या अमृत राय की तो बच्चों कलम के सिपाही के रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे अमृत राय क्या हो जाएंगे अमृत राय ऑप्शन नंबर इसमें चौथा राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि शुक्ल युग का समय सीमा कब से कब तक माना जाता है तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सन 1919 से लेकर के 1938 तक का जो भी समय रहा है उसको हम शुक्ल युग बोलेंगे ठीक ना शुक्ल युग बोलेंगे इस बात को ध्यान में रख लेना अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि साकेत रचना है यानी कि साकेत के रचनाकार कौन है महादेवी वर्मा सुमित्रा नंदन पंत मैथिली गुप्त या जयशंकर प्रसाद तो बच्चों साकित के रचनाकार यहां पे हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी ऑप्शन नंबर इसमें चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक ना सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो अब की बार पक्का यही आएगा इससे बाहर नहीं आएगा ठीक ना महादेवी वर्मा कवित्री है किस युग की तो बच्चों यह है छायावादी युग की ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना गंगा लहरी के रचनाकार कौन है ठीक ना पदमाकर बिहारी या भूषण या मतिराम तो बच्चों यहाँ पे गंगा लहरी जो है ना ये पदमाकर की रचना है ना इस बात को ध्यान में रख लेना ऑप्शन नंबर पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है तो बच्चों यहाँ पे अठारह से लेकर के अब तक का जो समय सीमा चल रहा है उसको हम आधुनिक काल के आधुनिक समय के यहाँ पे श्रेणी में रखेंगे इस बात को भी ध्यान में आप लोग रख लेना ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है निहार संध्यागीत युगांत या दीप तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया कि महादेव वर्मा की रचना इसमें से क्या नहीं है तो युगांत हो जाए क्या होगा युगांत हो जाएगा यही जो है ना इसको महादेव वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है बाकी निहार संध्यागीत और दीप शिखा को सभी को यहाँ पे किसने लिखा है तो महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है ठीक ना अगला हमारा क्वेश्चन है कि हास रस का स्थायी भाव क्या होगा तो हास हो जाएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कई बार हमने बता रखा है अगला हमारा क्वेश्चन कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पक्ति में कौन सा अलंकार है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें बच्चा यहाँ पे उपमा अलंकार ठीक ना यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना है ठीक ना और काफी कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक ना पूरा सब्जेशन के साथ बताऊंगा एक भी मैं क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं तो सोरठा हो या रोला हो दोनों में कितने चरण होते हैं मिलाकर के चार चार होते हैं। में राइट हो, जाएगा। अगला हो जाएगा उपदेश में बच्चों यहां पे उप हो जाएगा। यही आपका उपसर्ग हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रत्यय के कितने हैं? तो प्रत्यय के कितने जाएंगे ठीक ना दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं इस बात को ध्यान में रख लेना कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं हानि और लाभ में कौन सा समास है तो दोनों -दो समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला हमारा क्वेश्चन है कि मछली का परवाची क्या होगा तो मछली का प्रवाची यहां पे मीन होता है सेकंड ऑप्शन है आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा यद्यपि में कौन सा संधि है यद्यपि में कौन सा संधि है तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यड़ संधि हो जाएगा यद्यपि में जड़ संधि होगा इस बात को ध्यान में रख लेना भैया कई बार पेपर में पूछा जा चुका है मधु शब्द का द्वितीय व्यक्ति और एक वचन कौन सा रूप होगा यह आपको बताना है तो यहाँ पे पूछा गया मधु शब्द का तो मधु का क्या हो जाएगा भैया मधुनी हो जाएगा जबकि द्वितीय व्यक्ति और बहुवचन में मधुनी हो जाएगा ठीक ना चौथा ऑप्शन पे राइट आंसर होगा पठेता धातु का वचन एवं पुरुष क्या होगा पठेताम तो पट पठ धातु है ठीक ना इसमें पूछा गया पुरुष कौन सा होगा और वचन कौन सा होगा इसमें हो जाएगा प्रथम पुरुष और बहुवचन इस बात को ध्यान में रखना पट धातु को याद कर लोगे

और तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से कुल मिलाकर के छह नंबर आपको यहाँ से मिलेगा ठीक ना आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा इसी प्रकार से यहाँ पे एक पैसेज पूछा गया है और इसी प्रकार से अथवा करके ये पूछा गया है तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम ये वाले करेंगे कि यह कोई बात नहीं है एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं आकर्षित हो जाते हैं इस वाले पैसेज कॉल करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है इसका संदर्भ लिखना है उसके बाद रेखांकित अंश का व्याख्या करना होगा और इसमें अब क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखकर क्या देखकर आकर्षित होते हैं तो ये संदर्भ कैसे लिखेंगे इसको जरा ध्यान से समझिएगा पूरा बेसिक लोग समझिएगा इसी प्रकार से बोर्ड कॉपी को हल करना है लिखना है पूरा नंबर मिलेगा भाई एक भी नंबर ना कटेगा सबसे पहले यहाँ पे लिखना है वर्णात्मक प्रश्न खंड ठीक ना? यहां है ना यहाँ पे लिख दो भैया प्रश्नोत्तर संख्या पहला इतना करने के बाद आप संकेत भी कर सकते हो कि यह कोई बात नहीं है की ओर देखता है ठीक ना शुरू का दो चार बार लिख दो और अंत का दो चार शब्द यहाँ पे लिख दो काम हो जाएगा ठीक ना एग्जामिनर समझ कि कौन सा पैसेज आप कर रहे हो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे संदर्भ में दो बातें लिखी जाती है एक तो पाठ का नाम और एक कवि का नाम या लेखक का नाम तो प्रस्तुत गजांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस प्रकार सब सभी को पूरा पूरा यहाँ पे सलूशन करना है और व्याख्या कैसे करेंगे तो लेखा का कहना है कि ये कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है समाज में अपने से अलग विचार देखकर लोग आकर्षित भी हो जाते हैं इस प्रकार से व्याख्या कर देना है अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्यक्ति एक दूसरे को और एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं तो हम इसमें यह लिखेंगे कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वो गुण उनके मित्र में मिल जाए इस प्रकार से आप सभी को हल कर देना है ठीक है अब चलिए आगे बात कर रहे थे बच्चा जो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है ना यहाँ पे इसी प्रकार से क्वेश्चन आया ठीक ना लेकिन वो वाला क्वेश्चन आप सभी का पदान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा यह भी बोर्ड परीक्षक पेपर में उतना ही नंबर का पूछा गया है जैसा कि आप यहां पे नोटिस कर रहे हो कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कहीं समुझाई सौदे बुझा नहासी? को है जनक को है जननी कौन नारी कौन दासी कैसे वर्ण वेश है कैसो कि अभिलाषी तो करना क्या इसमें संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और इसमें आप सभी को मधुकर शब्द का अर्थ बताना है तो ये बच्चों हम से समझते हैं भैया यहाँ पे कैसे हल करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा इतना करने के बाद अब यहाँ पे हिंट कर दो कि निर्गुण निर्गुण कौन देश को वासी शुरू का दो शब्द लिख लो और अंत का मतिनासी शुरू का दो शब्द और अंत का दो शब्द लिख दो एग्जांपल समझ जाएगा ठीक ना इसमें क्या करना है संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में मैंने क्या बताया दो शब्द यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले तो पाठ का नाम और एक कवि का नाम तो प्रस्तुत प्रधान हमारी पाठ्यपुस्तक ठीक ना अपने हिंदी के यहाँ पे लिखेंगे एक और तरीका है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है तो इसी प्रकार से आप सभी को संदर्भ लिखना है अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हो तो एक पाठ का नाम लिख दो पाठ का नाम पद हो जाएगा और कवि का नाम सूरदास हो जाएगा ठीक ना आपका इतना भी नंबर मिल जाएगा अच्छा व्याख्या करना है आपको कि को है जनक और को है जननी यहां से लेकर के यहां तक अभिलाषा तक आपको क्या करना है अर्थ लिखना है तो हम यहाँ अर्थ लिखेंगे इस प्रकार से कि कौन उनकी माता और कौन उनके पिता है कौन उनकी पत्नी और कौन उनकी दासी है उनका रंग कैसा है वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं इस प्रकार से आप सभी को व्याख्या कर देना है और इसमें पूछा गया कि मधुकर शब्द का अर्थ क्या होगा तो मधुकर शब्द का अर्थ हो जाएगा भावरा क्या हो जाएगा भावरा हो जाएगा इस बात को ध्यान में आप लोग रख लेना इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड में कापी लिखना है ठीक ना अब चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर यहाँ पे तीसरा ठीक ना क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी प्रकार से क्वेश्चन आया लेकिन उसमें क्या है कि संस्कृत का का और पूछा जाएगा ठीक ना पांच नंबर क्वेश्चन आता है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाष्यास्त केंद्र असलमस्ती तो करना क्या है इसका अनुवाद करना है साथ में इसका सौन्दर्भ भी बताना है तो कैसे हल करेंगे जरा आप लोग तो ध्यान से समझिएगा प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा इसमें लिखेंगे ऐसा नगरी ठीक ना इस वाले हम पैसेज को हल करेंगे भाष्याम करता तो वाला से यहाँ पे अंत कर देंगे ठीक ना? इसमें लिखना संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है इस प्रकार सब सभी को संदर्भ लिखना है उसके बाद क्या करना है हिंदी में अनुवाद तो हिंदी में बच्चों अनुवाद कैसे करेंगे हिंदी में अनुवाद करने का सही तरीका देखो समझो पहले ऐसा नगरी एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ लिख दो काम हो जाएगा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र स्थल ऐसा मतलब होता है यह यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का हर जगह फैला हुआ है ठीक ना इस से से प्रकार से आप सभी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पे पूरा पूरा हिंदी में अनुवाद और अर्थ लिख देना है ठीक ना इसी प्रकार से जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आता है संस्कृत में श्लोक दिया जाएगा पद्यांश दिया जाएगा पद्यांश को क्या करना है सौंदर्भ लिखना है साथ में उसका अनुवाद करेंगे ठीक ना तो हम यहाँ पे हल करेंगे किम न हितवा किमनु हितवा प्रियो भवत कि भवत कि नु हित सुखी भवत इस वाले पदांश को हल करेंगे और बोर्ड परीक्षा के पेपर में बिल्कुल सही तरीके में बता रहा हूं ना उसी तरीके से आप सभी लोग हल करना है यहाँ पे देखो ठीक ना बिल्कुल सटीक तरीका ये देखो ये वाला इसी प्रकार से हल करना है ठीक ना यही वाला प्रश्नोत्तर संख्या चौथा ठीक ना अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था हितवा शुरू का दो शब्द लिखो अंत का दो शब्द लिखो हितवा सुखी भवित इसमें संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्रार शीर्षक से अवतरित है ठीक ना अब इसका अर्थ लिख दो कि श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि मनुष्य क्या क्या कर प्रिय हो जाता है क्या त्याग कर सुख नहीं करता क्या त्याग कर धनवान हो जाता है और क्या त्याग कर सुखी हो जाता है इस प्रकार से इसका आप सभी लोग हिंदी में अर्थ भी लिख देना अनुवाद कर देना ठीक है आगे समझ में चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ये होता आता है बच्चा खंड काव्य के आधार पर जो कि अपठित खंड काव्य होता है ये तो अलग अलग दृष्टि का अलग अलग होता है आपको मैं एक थो, थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा हूं मुक्ति दूध पे लिखो या ज्योति जवाहर पे लिखो या मेवाड़ मुकुट पे लिखो या अग्र पूजा पे लिखो या जय सुभाष पर लिखो या मातृभूमि पर लिखो या कर्ण वाले खंड का पे लिखो या कर्णवीर भारती पे लिखो या तुमुल वाले पे लिखो तो ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है कोड होता है आप लोग अपने कोड के हिसाब से क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेना फिर भी आपको लिखने का तरीका यही होगा कि प्रश्नोत्तर संख्या पांचवा यहाँ पे हेडिंग लगा लाना की दूत सभा में द्रौपदी इसी प्रकार से बढ़िया से सुंदर से एकदम तीन नंबर का आता है आसानी से लिख दोगे आपका पूरा-पूरा नंबर यहां से मिल जाएगा अब चलो बच्चों जो बातें बताने वाली है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा के पेपर में जीवन परिचय से संबंधित दस नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार करिए या जयशंकर प्रसाद का या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तीनों में से किसी एक का जीवन पर्चा आपको तैयार करना है तो हम बच्चों तैयार करेंगे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद का जीवन पर्चय इसमें क्या करना होगा जीवन पर से लिखने का जो तरीका होता है ना एक जीवन पर्च यहाँ पे संक्षिप्त में तैयार करो सबसे पहले उनका नाम लिखो जन्म लिखो पिता का नाम माता का नाम रचना मृत्यु इससे क्या होगा कि एग्जामनर को समझने में आसानी होगा और ये नहीं पढ़ेगा और यही पढ़ करके आपका पूरा नंबर दे देगा टाइम कम बचेगा उसका तो नंबर ज्यादा मिलेगा ठीक ना इसमें क्या लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन अठारह सौ नवासी इसमें हुआ था इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था माता का नाम मुन्नी देवी था बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी इन्होंने हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी अध्ययन घर पर ही किया था इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था अल्पावस्था से ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन उन्नीस में इनकी मृत्यु हो जाती है आगे इनकी रचना का नाम लिख देंगे तितली कमाननी चंद्रगुप्त लहर झरना ठीक ना तमाम प्रकार की रचना का नाम है आराम से यहाँ पे एक दो रचना का नाम लिख पूरा नंबर से मिल जाएगा अब चलिए बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन पर्ची लिखेंगे यह भी बोर्ड के परीक्षा के बेवर में पांच नंबर में पूछा गया है बिल्कुल जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन यही आएंगे इससे बाहर भाई नहीं आएंगे ठीक ना अच्छा गोस्वामी तुलसीदास का जीवन पर्च कैसे लिखोगे तो बिल्कुल वही वाला आइडिया अपनाना है सबसे पहले संक्षिप्त में पर्ची लिख दो ठीक ना कि नाम लिख दो जन्म लिख दो पिता का नाम माता का नाम रचना और मृत्यु ठीक ना इतना चीज आपको लिख देने से क्या होगा एग्जाम का टाइम कम बचेगा और नंबर ज्यादा देने का कोशिश करेगा ठीक है फिर भी आपको ये वाला चीज लिखना पड़ेगा लांग में गोस्वामी तुलसीदास दास का जन्म सन पंद्रह ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था इनके बचपन का नाम राम बोला था ये सरयू पारिड ब्राह्मण थे इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे तब तो ये स्वामी नरहरिदास ने इनको पालन पोषण कर दिया था इनके विवाह जो रतनालीस हो गया था पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे लेकिन एक बार पत्नी को डांट सुनने की वजह से इनने सब कुछ छोड़ दिया और ठीक ना काशी जाकर के इन्होंने वेद वेदांग दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था और अंत में काशी में इनकी मृत्यु हो जाती है सन सोलह सो

जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो अच्छा हम श्लोक लिखेंगे जो इस पेपर में उसका जिक्र न किया गया होगा यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे जीवन परिचय मैंने बता दिया और यहाँ पे श्लोक वाला टॉपिक को समझ लो ठीक ना ठीक ना इसी प्रकार से लिखना है आपदो दुर्गामी चाक्षरों न च चा पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाती स पंडित इस प्रकार से आप सभी लोग श्लोक लिख देना है कविता लिख देना है दो नंबर का है आसानी से नंबर यहाँ से पा जाओगे अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना होगा कि ज्ञानम कुत्र संभवती या भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति या कुत्र मरणम मंगलम भवती या चंद्रशेखर का आसित तो बच्चों यहाँ पे देखो हम यहाँ पे हल करेंगे कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति तो यहाँ पे लिखेंगे कि देखो इसका क्या मैंने बताया था कि चंद्रशेखर कसित चंद्रशेखर कौन था तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चित चंद्रशेखर भैया एक भारत का क्रांतिकारी था जो कि देशभक्त था अगला हमारा क्वेश्चन बीरा या ज्ञानम कुत्र संभव तो भैया पढ़ने से भाई क्या होगा संभव हो पाएगा तो दो कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक ना अब चलो बच्चों आगे हम अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से श्लोक का ठीक ना यहाँ पे किसी एक विषय पर निबंध लिखिए अच्छा विषय पर निबंध लिखने के लिए हमेशा पूछा जाएगा और ये अब की बार बोर्ड परीक्षा के पेपर में सात नंबर में पूछा जाएगा नौ नंबर में ना सात नंबर में पूछा जाएगा ठीक ना आतंकवाद पे लिखो या वृक्षारोपण पे लिखो या मेरा प्रिय कवि पर लिखो या नारी सशक्तिकरण के बारे में लिखो किसी के बारे में लिखोगे पूरा पूरा नंबर मिलेगा तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे नारी सशक्तिकरण के बारे में निबंध लिखेंगे इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में निबंध लिखना है सबसे पहले रूपरेखा बनाओ रूपरेखा में वो बातें लिखो जो आप हेडिंग के बारे में लिखोगे सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग लगेंगे ये लिखो महिला सशक्तिकरण का अर्थ लिखो महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका लिखो महिला सशक्तिकरण के लाभ बताएंगे और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखेंगे ठीक ना? आइए बच्चों सबसे सबसे पहले पहले। प्रस्तावना में किन-किन बातों को लिखेंगे, इसको समझते तो आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है नारी सशक्तिकरण का अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के फैसला कर सके ठीक ना इस प्रकार से प्रस्तावना में लिखेंगे और अगला हमारा टॉपिक ये है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होगा मतलब क्या होगा इसमें ये लिखेंगे कि महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ही सशक्तिकरण कहलाता है ठीक ना आगे बात कर लेते हैं महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका क्या होगा इनका तो बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा तो स्वयं अपना निर्णय लेती है यह वह चारदीवारी से बाहर निकल कर ठीक ना देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है इस प्रकार से लिखना है और अंत में आएंगे तो महिला सशक्तिकरण के लाभ कौन कौन से होंगे तो हम इसमें लिखेंगे कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा ले लिया ठीक है महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े हर फैसले खुद भी कर सकती है और पुरुष भी अब महिलाओं को समझाने लगे है यह हो गया सशक्तिकरण के लाभ बेनिफिट हो गए और बच्चों अंत में आपको लिखना है ये वाले टॉपिक उपसंहार क्या होता है भैया अंत में जरूर लिखेंगे तो जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी ध्यान केंद्रित करने की के आवश्यकता है आज की नारी हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है यह एक सुखद संकेत है लोगों की सोच बदल रही है फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की जरूरत है इस प्रकार से बच्चों आप सभी को यहाँ पे निबंध लिखना है जीवन पर्च लिखना है और इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कापी भी लिखना है अगर बच्चों इस प्रकार से अगर आप हिंदी की कापी बोर्ड परीक्षा के पेपर में लिखते हो तो आपका भैया एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा सत्तर में सत्तर का जो सपना है ना पूरा साकार हो जाएगा इस बात की पूरी गारंटी है तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम